कोटा फैक्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस एहसास चन्ना की जिंदगी की ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, और अब पेड़ के अंदर से भी निकल रहे हैं अंडे, लेकिन वो कैसे? और इस लड़की ने अपने चेहरे पर एसिड फेंकने वाले लड़के से ही शादी कर ली, पर क्यों? और शोले फिल्म में काम करने वाले अमजद खान का फिर इस फिल्म के बाद क्या हुआ हाल? कहां है गब्बर और एक ऐसा नहर जिससे सरकारी कमाती है अरबों रुपए? ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, कोटा फैक्ट्री में एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस एहसास चन्ना को तो अब आप जानते ही होंगे, लेकिन भले ही ये कोटा फैक्ट्री से मशहूर हुई है, पर इसमें काम करने से पहले भी ये एक मशहूर एक्ट्रेस थी। अगर आपको नहीं आता तो इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को आपने जरूर देखा होगा। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि एहसास चन्ना ही है, और इतनी कम उम्र में एक्टिंग करियर में आने के पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ है, क्योंकि इनके पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इनकी माँ सीरियल और मूवीज में एक्टिंग करती हैं, इसीलिए इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्म भी सुपरहिट रही थी और इसके बाद इन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया था। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम किया, और हाल ही में आई कोटा फैक्ट्री में इनका रोल कितना ज्यादा कमाल का था ये बात आप जानते ही होंगे। इनको असली फेम इसी शो से मिला, और आगे भी इनकी बहुत फिल्म और वेब सीरीज आने वाली है। नंबर टू, हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इस खबर में बताया गया था कि अब लोग शाकाहारी अंडे खा सकते हैं, यानी कि ऐसे अंडे जो कि पेड़ पर उग जाते हैं, और इसे बनाने में वैज्ञानिकों को करीब 18 महीनों की मेहनत लगी थी, और ये अंडे बिल्कुल ही मुर्गी के अंडे जैसे होंगे। तो ये जो खबर थी ये पूरी सच थी, वैज्ञानिकों ने सच में ऐसे अंडे बनाए थे। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगा, जिसमें एक केले पेड़ के अंदर से अंडे निकाले जा रहे हैं और लोगों को लगा कि ये वही अंडे हैं। पर हम आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी ही नकली है। इन्होंने अंडों को ऊपर से डाला था और फिर ऐसे काट कर हमें बता रहे हैं जैसे कि अंडे इसके अंदर से निकले होंगे, पर ये बिल्कुल गलत है। असलियत में जिन अंडों को उन्होंने बनाया है वो एक बैंगन की तरह पौधों पर उगेंगे, न कि केले के पेड़ के अंदर। नंबर थ्री, आज से करीब एक साल पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। ये वीडियो राजन पंडित का है, जो कि वायरल होने के बाद एक टिकटॉक स्टार बन गए थे, और इसके बाद एक लड़की इनसे मिलने गई। उस वक्त की बहुत ही ज्यादा मशहूर थी ये, जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से इस लड़की को अपनी झांसों में फंसा लिया, और उसके बाद मूवीज में एक्टिंग का रोल देने का नाटक करके ये इस लड़की से रोज मिलने लगा। दोनों को एक दूसरे से थोड़ा बहुत प्यार होने लगा। इस लड़के ने कहा कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों लिविंग में रहने लगे। लेकिन फिर ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो राजन ने इसका अबॉर्शन करा दिया, और इसके बाद करीब 5 महीनों तक इस लड़की का यौन शोषण किया और इससे 25 लाख रुपए लेकर भाग गया। फिर इस लड़की ने इन सब के बारे में पुलिस को बताया, और हाल ही में इसे पकड़ लिया है और अभी इसे जेल में डाल दिया है। इसके ऊपर अब कार्यवाही होगी। नंबर फोर, दोस्तों ये जो नहर अभी आपको दिख रही है ये इतनी ज्यादा लंबी है कि उसे पार करने में ही जहाजों को औसतन 10 घंटे लग जाते हैं। इस नहर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस नहर का नाम है पनामा नहर, जो कि अमेरिका के पनामा में स्थित है। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जल मार्गों में से एक है। यहाँ से हर साल 15,000 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। इस नहर से गुजरने के लिए व्यापारियों को 3.5 करोड़ रुपए का टोल टैक्स के रूप में चुकाने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर करीब 12,875 किलोमीटर घट जाती है। नहीं तो जहाजों को लंबा चक्का लगाना पड़ता, जिसमें करीब 2 हफ्ते लग जाते, लेकिन अब जहाज इस पूरी दूरी को 10 से 12 घंटों में ही पूरी कर लेते हैं। नंबर 5, तुर्की में एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। वहाँ पर बोफिन ओजेक नाम की एक लड़की रहती थी, कासिम ओजान सेल्टी नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन फिर इन दोनों के बीच किसी वजह से विवाद हो गया, और गुस्से में इसके बॉयफ्रेंड ने इसके मुंह पर एसिड फेंक दिया। इस हमले से जिंदा बच गई, और जागने के बाद इसे अपने बॉयफ्रेंड पर गैस कर दिया, और उसके बॉयफ्रेंड को करीब 13 साल की जेल हुई। लेकिन हाल ही में कोविड की वजह से कानून के नियम बदले और इस आदमी को जेल से जल्दी छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद इसने उस लड़की से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और उससे माफी मांगी। उसने कहा कि मैंने यह सब गुस्से में किया था, और अब वो उसका पश्चाताप करना चाहता है, इसीलिए उसने उस लड़की से ही शादी कर ली, और उस लड़की ने हाँ भी कर दी, और इनकी हाल ही में शादी हुई है। लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चली तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा इंडियन यूट्यूबर फोटो में दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 6, आजकल भारत में पेटीएम और फोन पे का चलन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। छोटी से छोटी पेमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी पेमेंट आजकल ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ही हो जाती है, और लोगों को एक बार इन सब यूपीआई एप्स का स्क्रीनशॉट दिख जाता है तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि जी हाँ पेमेंट हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि यहीं पर कई लोग हैं जो हमें ठग देते हैं। आजकल कई ऐसे एप्स आते हैं जो कि पेटीएम और फोन पे के फेक स्क्रीनशॉट बना देते हैं। वो आपके सामने ही आपका नंबर और पैसा डालेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पैसे नहीं आएंगे। ऐसी कई
ट्रिक्स वो इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए वो आपको उल्लू बनाते हैं। आजकल दुकानदारों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, कई लोग फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर ही सामान लूट लेते हैं। इसीलिए चाहे वो ग्राहक आपके पास रोज भी क्यों ना आ रहा हो, फिर भी जब तक आपको पेमेंट का नोटिफिकेशन न आए तब तक आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 7, ये जो महिला अभी आपको दिख रही है इनका नाम है गायत्री देवी। इन्हें जयपुर की राजमाता भी कहा जाता है। इनका जन्म एक बहुत ही बड़े राज परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें बचपन से ही शान शौकत की कोई कमी नहीं। इन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर हिस्सा लंदन में गुजारा, लेकिन वो जैसे ही हिंदुस्तान में आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जिसके बाद उन्होंने कई चीजों की शौक पाल लिए। सबसे पहला शौक था शिकार का। उन्होंने बस 13 साल की उम्र में एक चीते का शिकार किया था, और अच्छे शिकारी होने के साथ साथ इन्हें घुड़सवारी करना भी बहुत ज्यादा पसंद था। साथ में इन्हें बाकी अमीरों की तरह गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा शौक था। इनके पास कई प्रकार की उस समय की लग्जूरियस कार थी, और उसी के साथ इनके पास एक फ्लाइंग जेट भी था, वो भी उस समय में। इसी बात से आप सोच सकते हैं ये कितनी ज्यादा शौकीन रही होगी। नंबर 8, मशहूर फिल्म शोले को कौन नहीं जानता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता हो। इस फिल्म के हिट होने के पीछे जितना हीरो का हाथ था उतना ही हाथ था विलेन का, यानी भाई गब्बर सिंह का। गब्बर सिंह जैसा विलेन आज तक पैदा नहीं हुआ, और इस किरदार को निभाने वाले अमजद खान को भी लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं। इन्हें इस मूवी के बाद और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज में विलेन का किरदार निभाते हुए देखा गया है। लोग इनको अमिताभ बच्चन के सामने लड़ता देख काफी खुश होते थे। वो एक 5-स्टार विलेन थे, लेकिन एक दुर्घटना के दौरान ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए, और इसके बाद इन्हें बहुत ही ज्यादा दवाओं का सेवन करना पड़ा। इन्हीं सब चीजों की वजह से इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, साथ में इनको काम मिलना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहते थे। एक दिन इन्हें मोटापे की वजह से हार्ट अटैक आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दाड़ता हुआ गब्बर इस तरीके से सो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।